मंगलम गंध कुंभाद्य जैन धर्मोस्त मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणा जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्थानभूत्या चकासुते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षति वन्दितु सर्वसिद्धि द्रोमचर्मणो भवङ्गदेव पते वच्छामि समय पाह देश ग्रंथ पर छठवीं गाथा के ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचन इंद्रिय सुख वासना मात कल्पना मात मोही सुख मानते यह अज्ञान प्रसाद भोग रोग वत कष्ट में तन मन करत विसा है दुखी और सुखी मानता है क्यों। गुरुदेव श्री ने कितने उदाहरण दिए कि जब इसका पेट भरा रहता है तब इसे हरा हरा सूझता उपद्रव सूझता है। गौण के पेट में दाने और गौण धरे गर्राने जैसे गांव में कहा कि भरी पेट में सारे पाप होते जिनकी अनुकूलता नहीं है ना उन्हें समझ में आता है कि क्या करना परंतु जिनकी चारों तरफ से अनुकूलता मर जाती है वो सोचेंगे क्यों धर्म करें। और ये जो इंद्रिय सुख है कल्पना मात्र है ये रौद्र ध्यान कहला। रौद्र ध्यान का फल कौन सी गति होती है नरक गति हो जो आज तुम्हें हंसते हुए दिख रहे इन सब के पुण्य जलना नए कर्म बन रहे और अपने आप को धोखा दे पाप के उदय में तो जीव विचार भी कर ले कि धर्म करने योग्य से सब हाथ जोड़ रहे खड़े जो चाहता वो हो जा। अभी देव मर के एक इंद्रिय होता है वो नार की सैनी पंचेंद्रिय डॉक्टर साहब नरक से निकला हुआ जी श्रेणी पंचेंद्रीय होता है और देवगति से पहले और दूसरे स्वर्ग के देव आकर अधिकतर एक इंद्रिय पृथ्वी काय वनस्पति काय आदि में पहुंच जाता है। सोचो जरा कितना अनुकूलता के कल्पना जन्म सुन सुख वासना माप सुख कहाँ पटके गए। बहुत उदाहरण देखिए गुरुदेव कल से परसों से समझा रहे हैं कि तुम अपने को संबोधो ये भरत चक्रवर्ती के नाम से आज आए थे दो चक्रवर्ती के नाम ब्रह्मदत्त और सुवाम चक्रवर्ती हीरे के पलंग पे सोने वाले 700 वर्ष की आयु मिली है ना और गुरुमती उनकी देवी जैसी इंद्राणी जैसी नारी थी 96,000 रानियों में वो व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ और सातवें नरक में जा पड़ा 33 सागर की आयु लेके और पहला विकल्प उसी कौन सा आया था मालूम कुरुमती वहां पहुंचकर भी कुरुमती आ। सोचो जरा वासना कितनी गहरी हो ऐसे ये जीव कहीं इन विषयों की लपेट में झपट में और कहीं वो उसी का कीड़ा ना हो। प्रथम चरित पढ़ना आप तो वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी के घर में आ क्यों आ गया क्योंकि इसे बहुत पत्नी से गाढ़ा रहा रात दिन वही वासना चलती उसी का धुन तो वो ऐसे बंद होते कि उस पर्याय में पटक गए। कल से और आज से स्वामी जी ने बार बार ये बात सोचने के लिए प्रेरित किया कि सुख सुख नहीं है कम दुख का नाम सुख है
और सुख विषय से नहीं आ रहा, इच्छा घटने से तुझे लग रहा है कि सुख, क्योंकि तूने अभी यतीन्द्रिय सुख को तो पहचाना नहीं। आत्मोत्पन्न सुख कभी पर्याय में प्रकट हुआ नहीं, संबर नजरा की जाति जानता नहीं, तो इन्हीं दुखों में एक का नाम सुख एक का नाम दुख रखी। सिर का बोझ कंधे पर रख कर कहता है थोड़ी राहत, 104 डिग्री बुखार से 100 डिग्री ले जाए तो कहता आज तबीयत अच्छी, ऐसा परिपाटी है संसार। ऐसे जहर से निकालने के लिए श्री गुरु बन मोहे उदय जीव अज्ञानी भोगे भले कर जाने जने खाए धतूरा सो सब कंचन माने। ये जीव को भूषियों में सुख नहीं है, पर सुख क्यों लगता है? गुरुदेव श्री पूछ रहे क्यों लगता है, तो बोले कि ये जीव अभी नशे में है, अफीम खाई शराब पी करके वो समझता है मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन, कल्पना मात वासना मात। तो गुरुदेव श्री ने बहुत उदाहरण दिया, थोड़ा सा पढ़ते उसकी भाषा। एक तो अभी चक अपने कुंदकुंदाचार्य जी की कितनी महिमा आती है, कितनी महिमा आती है कि हमारे सीमंदर भगवान ने कुंदकुंदाचार्य देव से कहा सद्धर्म वृद्धि रस्तु, इसके द्वारा भरत क्षेत्र में जैन शासन की बहुत प्रभावना होना है, बहुत उत्कृष्ट जीव महापुरुष के द्वारा निकल गया। ऐसे कुंदकुंद देव जितने वहां पहुंचे और छोटी सी अवगाना और वहां के कितने बड़े शरीर है, 500 धनुष समझ में 2000 हाँ कितना लंबा शरीर, और ये कुंदकुंद देव को चक्रवर्ती ने ऐसे गदेली पे रख लिया उठा के, इतना छोटा सा मणि कौन के भरत छेद का समर्थ आचार्य भरत छेद का समर्थ आचार्य कली काल सर्वज्ञ बनेगा, जैन शासन की प्रभावना इस व्यक्ति से होगी, पंच परमागम रचेगा, भरत क्षेत्र का सूर्योदय हो जाएगा, सर्वज्ञ के विरह को वहां जी भुलाएंगे, इतना छोटा सा। और आज पूज्यपाद स्वामी का ही बता, वो भी पूज्यपाद स्वामी भी कनक गिरी से और विदेश से पधारे थे, ये पौनूर मलय से गई थी। देखो पौनूर का भी नाम होता है स्वर्ण और कनक का भी नाम होता है स्वर्ण और सोनगढ़ है हाँ, कुंदन में यानी सोना हो कुंद, कुंद यानी कुंद तो पुष्प का नाम है और कुंदन सोने का, तो ये भी कोनूर मलय से गए यानी सोनगढ़ से गए, वो कनक गिरी से गए तो भी सोनगढ़ से गए और फिर भी सब सोनगढ़ में पहुंच गए। ऐसे पवित्रता का स्वामी जी ने अभी स्मरण भी कराया था हमारे पूज्यपाद स्वामी की, क्योंकि इनका राइस भी इनका पूज्यपाद नाम क्यों पड़ा मान, इनकी देवताओं ने आकर पूजा की थी यहाँ कनक गिरी, इनका नाम पूज्यपाद पड़ा, इनके पैर है असली नाम इनका देव नहीं, पुष्पदंत भूतवली का नाम पुष्पदंत भूतवली थोड़ी, दूसरे नाम नरवाहन ऐसे। तो अभी पढ़ रहे थोड़ा सा, इससे सबसे मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र, 95 पेज पर ऐसे आत्मा का स्वाभाविक और अनाकुलता रूप सुख वासना नहीं। जब हमें किसी को याद है इंद्रिय सुख के 5 विशेषण और अतीन्द्रिय सुख के 5 विशेषण है, सपरम बाधा संयम विचरणम बंध कारणम और विषमम, ये 5 चिन्ह काय के इंद्रिय जनित सुख बनाम दुख। पहला विशेषण है इंद्रिय जनित सुख कैसे होते हैं, सपरम पराधीनता से ही होती, सपरम बाधा संयम, इनमें ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सोचा कंटिन्यूटी में सब बना, बाधाएं आती
विचरणम ऐसे नहीं है कि लगातार आपको पर यही बना रहे, ऐसे ही बना रहा है और यही बना रहा है, नहीं बनेगा। तो कालांतर पर पुण्य का उदय समाप्त, यानी 30 कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पुण्य की बनता, और आज तक कोई पट्टा नहीं भूल पाए, 2000 सागर से ज्यादा चलते ही नहीं, सब पुण्य कन्वर्ट होके पाप रूप में कन्वर्ट। बंद कारण है अभी समझ में नहीं आता, जितना भी गलछर्रे दिख रहे हैं सब ऐसे हो रहे हैं कि जिससे आपको भविष्य में बहुत कष्ट आ, महा दुख संकट निकट, सब देव कैसे डाले। 79 गाथा प्रवचन शाह अमृत चंद्राचार्य देव टीका, महा दुख संकट निकट, मालूम किसे, धूर्त अभिसार का के प्रेम में फंसे हुए जीव, शुभोपयोग करने वाले को था। सो जो अपन धर्म के नाम से कितना आघात आ पाते, ज्यादा ज्यादा शुभयोग का निषेध करके मंदिर में आ गए, यही में मार्ग नहीं है, महादुख संकट निकट है अभी तक, वहां भोगना इतना कठिन बीतेगा, क्योंकि अनुकूलता में कोई धर्म की भी नहीं कहता। अब जब ये व्यवहार धर्म में लगे तो तुमसे धर्म की कहेगा कौन, प्रशांत भाई इतनी अच्छी पूजा कराता है, सब लोग धर्मात्मा कहें, हम इतनी अच्छी प्रवचन कर रहे हैं तो कभी ये बड़ा धर्मात्मा, ये कह रहे भाई साहब ये शुभोपयोग धर्म नहीं है 1%, धर्म तो धर्मी के आश्रय से अनुभूति का नाम, उसका तो तुम्हें याद भी नहीं है, याद भी नहीं आती संजय भी है कि आत्मा भी कोई जानने की चीज। अब ये कह रहे हैं कि शुभोपयोग तुम्हें ऐसे पहाड़ पे फेंकेगा अनुकूलता के ढेर में कि तुम्हें विषय में गाफिल हो गए, आत्मा याद नहीं आएगा, स्वर्गों में जाके देखो उन स्वर्गों के देव को क्या हाल, विलासता में लगे कि भगवान को देख। तो ये वासना मात्र सच्चा सुख नहीं। 96 पेज पर अंत में स्वामी जी ने कहा अनाकुलता रूप सुख वासना मात्र नहीं, समझे ना भाई, आत्मा का सुख वो ही वास्तव में। अब देखो ये अभी प्रकट नहीं, आपको पता नहीं, क्योंकि लक्षण तो प्रकट है, क्या सुख तो प्रकट नहीं, सुख को लक्षण भी नहीं बना है, तो आप इस सुख के बारे में जानते ही नहीं हो कि आत्मा क्या कहलाती है और सुख क्या कहलाता है, जानता भी नहीं। जब तक मिथ्यात है तब तक किसी को पता नहीं है कि आत्मा किस चिड़िया का, जैसे चिड़िया को नहीं पता कि मेरा नाम चिड़िया है और वो चिड़िया कहलाती सबकी नहीं, ऐसे ही आत्मा होने पर अनंत आनंदमय होने पर बिना आंख खुले से पता ही नहीं है कि आत्मा किसका नाम, रुस सुनता भर है। ऐसे सुख का भोगने का कौतूहल भी जगे तो धन्यवाद, वो जीव पात्र जीव है जिसे आत्मा की बात सुहाने लगी कि ऐसा आत्मा में भी देख। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ति चिस्वावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छदे। कलश पढ़ना है 142 गाथा के बाद। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा पक्षपात यस्तत्तवेदी च्युत पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छदेव। जिनके हाथ में ग्रंथ नहीं वो क्या पढ़ते हो, अमंदर जी काय के लिए आए, कितनी सी जिम्मेदारी भी नहीं निर्वाह करती, और ये तुझे भगवान बनाने की विधि सौंप, पीछे बैठने वाले यहाँ वहां देखते रहते कौन निकला कौन आया कौन गया, किसे जीवन है, 15-20 मिनट के लिए प्रकृति ने तुझे अच्छी जगह भेजा और उसका भी आनंद भोगना नहीं जानता, इतनी जगह है सब पीछे बैठते हैं जहां से आने जाने वाले थे। जिम्मेदारी से बैठना चाहिए, ग्रंथ लेके बैठना चाहिए, खोल के रखना चाहिए, बिना आना चाहिए,
विनय से तपश्चरण वाले मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट हुई, विनय से हुई। बहुत भाव बहुमान आना चाहिए, ये तो गुरुदेव श्री को ये ग्रंथ रख के पढ़ाना पड़ा। भैया देखो इसमें लिखा, उपयोग लगाओ, बहुत चंचल हो। आज की कलश फिर से पढ़ो। एकस्य मूलो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा वितिपक्ष पातौ यस्तत्त्वभेदी च्युतपक्ष पात तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। चार बातें आती हैं। एकस्य मूलो, एक ने कहता है जीव मोही, न तथा परस्य, एक दूसरे ने खड़ा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मोही नहीं, आत्मा तो क्या था दृष्टा है। अब दो नए की कथा हो गई। अब ये कहते हैं काय के बारे में चर्चा चल रही है, किसके बारे में चर्चा चल रही, चिति चिति चैतन्य के प्रति, चिति दो द्वयो द्वाविति पक्ष पातव, इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को समझने के लिए ये दो नयों के कथन है। एक नय का नाम है व्यवहार नय, एक नय का नाम है निश्चय, और दोनों नयों के कथन झूठे नहीं है। सम्य ज्ञानी के अंश है और सम्य ज्ञानी दोनों नये से स्वरूप को जानता है। अब हमारा प्रश्न संजय भैया कि व्यवहार न कहता है यह जीव मूल है, तो बताओ यह जीव मूल है कि आत्मा। और दूसरा ने कहता है कि आत्मा मोही नहीं है, एक ने कहता है कि आत्मा मोही है। अखिलेश बताओ आत्मा मोही है कि निर्मोही है? और एक नए को भी झूठा करके बता दो आपसे, और दोनों नयों का पक्ष लेके आत्मा देखना चाहो तो नहीं देखे। तो मोही कब का राजेश भैया, जब यह जीव अपनी श्रद्धा में अपने चैतन्य को आत्मा को आत्मा नहीं मानता है, तब आचार्यों ने कहा देखो ये मोही मर के कहां चले। तो आत्मा मोही है कि आत्मा है? आत्मा है, परंतु उसे मोही क्यों कहा, क्योंकि वो आत्मा को आत्मा नहीं मानता, तो आत्मा मोही नहीं हुआ, आत्मा नहीं मानता ये मोह। वस्तु में मोह नहीं है, भीतर वस्तु तो भगवान है, चैतन्य स्वरूप ही ज्ञाता दृष्टा है। अब उसे मोही कहा तो कैसे कहा होगा, कोई गलती देख के कहा। समझ जी, इतना सरल उदाहरण देते हैं कि हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट आए, और हमने सर्टिफिकेट देखा, पापा बहुत खुश हो गए, बेटा कितना हो गया। और जैसे हम 100 के नोट का चांदी का तार निकाल रहे थे, और जैसे निकाल के तो फट गया वो, तो कह रहे पगला साला कुछ नहीं जान। तो हमें ये समझ में नहीं आया कमल कुमार जी कि वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है कि पगला है, है? और पापा कह रहे, कोई पापा अन्यथावादी तो होते। ऐसे हमारे भगवान कहते हैं कि जो आत्मा नहीं जानते हैं वे मोही, और जो आत्मा को जानते हैं वे निर्मोही। ये हो गई दो दशाएं, आत्मा तीसरी चीज, ये तो परिणति के नाम है, मोही निर्मोही। और आत्मा कैसा है, जिसमें ना मोह होता है ना जिसमें निर्मोही दशा होती, वो तो त्रैकालिक चैतन्य स्वरूप, चिति चैतन्य, तो चैतन्य रहता चित स्वरूप, आत्मा तो चित स्वरूप ही रहता। या दो गए, अब पक्ष बताना, प्रदीप भैया बताएंगे पक्ष, व्यवहार का पक्ष क्या है और निश्चय का पक्ष क्या। भैया अपन तो पापी अज्ञानी, अरे अपन को कहां धर्म मिलेगा, अपन तो अभी समझते नहीं, याद ही नहीं रहता है। अभी इसने काय का पक्ष बना लिया, व्यवहार का पक्ष बना लिया, मोही। ये आत्मा मोही नहीं है, तो व्यवहार से कथन किया गया वो गलत नहीं है, और इसने पक्ष काय का बना लिया। डॉक्टर साहब अरे भैया अपन कहां, अपन तो धंधे में लगे, अपन संसारी हैं, वो ही बताओ तू संसारी है कि आत्मा।
तो अपने चैतन्य स्वरूप का आदर ना आकर जो आचार्यों ने व्यवहार का ज्ञान कराया था किसने मान लिया कि ऐसा होगा? जब वो कह रहे भगवान थोड़ी झूठ बोलेंगे, अरे भगवान झूठ नहीं बोल रहे, भगवान ये कह रहा है कि तू सचमुच में भगवान। स्वामी जी से लोग कहते थे कि आपने तो हमें भगवान ही बना दिया। कि भगवान बना नहीं दिया, भगवान नहीं है तू। अब भगवान पना नहीं मानता, ये वो है। ऐसे अच्छे समझना भाई, ये मुंह वस्तु में नहीं होता, वस्तु को नहीं मानने वाली श्रद्धा। इतना अच्छा सूरत में भाई साहब ने समझी नहीं, ऐसा इतना अच्छा उदाहरण दिया। बोले कि अनंत भगवान संसार देखना जरा, और अशुद्ध नय से, अशुद्ध निश्चय नय से अनंत भगवान भी संसारी है और निगोदिया भी संसार। तो बताओ कहाँ अनंत भगवान और कहाँ निगोदिया, और दोनों को एक न खड़ा किया और दोनों को समेट लिया। तो बताओ निगोदिया जैसे अनंत है क्या, जो अनंत चतुष्टय के धनी, और उनको तो अशुद्ध निश्चय नहीं में डाल। अरे इनका अभी असिद्धत्व नहीं प्रकट हुआ है, इतना सा संसार। ये कोई उनकी अनंत चतुष्टय में कमी नहीं है, उनके आनंद में बाधा नहीं आ रही, फिर भी उन्हें संसारी के। अब अपन ने मान लिया भगवान संसार। एक पंडित जी आए थे यहाँ, अब उत्तम चंद जी भी थे, और वो कह रहे थे केवल ज्ञान जड़ है, आत्मा नहीं है। उत्तम चंद जी बहुत देर तक सुनते रहे। मैंने कहा कि पंडित जी साहब केवल ज्ञान जड़, और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान का? अरे केवल ज्ञान जड़ नहीं है, परंतु जैसे जड़ के लक्ष्य तुझे आत्मा नहीं दिखती, ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय को देखने से भी आत्मा नहीं दिखती। तो जड़ जैसा अभी देखेगा तब उसका मोह छूटे। उसने जड़ जड़ कह के बहुत देर तक प्रवचन की, 15 मिनट तो शांत हो गए, बाहर से आए थे। ऐसा कहा था, उन्होंने कहा पंडित साहब इसमें रस नहीं लेना पड़ता, उनके भाव को पकड़ना पड़ता, वो क्यों कह रहे। तो ये जी मोही है, समझे जरा, मोही है याने, फिर से मोही है याने, आत्मा मोही नहीं है, आत्मा चैतन्य स्वरूपी है। उसे आत्मा को चैतन्य स्वरूपी नहीं मानने से मोह कहाँ हो गया, परिणति में हो गया, और पर्याय को द्रव्य से अभेद करके अशुद्ध निश्चय नहीं से ये कह सकते हैं भैया पर्याय अर्थक नहीं से या व्यवहार नहीं से कि ये मोह। और दूसरा है और यह जीव मोही नहीं। बताओ एक गाथा ऐसी निकली थी पहले अधिकार में जिसमें लिखा था कि जीव मोही नहीं, मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल। कौन सी गाथा है? 36 नंबर की गाथा, लतिमम को भी मोह, मेरा मोह कुछ नहीं लगता है। अब बताओ ये बात सही है, और फिर वजन देना, बात वजन की है कि ये व्यवहार रहने का वो ये बात में ज्यादा वजन है कि आत्मा निर्मोही है ये बात में ज्यादा वजन। आत्मा भगवान है निर्मोही, वो इसे छू नहीं सकता, इस बात में बहुत बड़ा वजन। अच्छा तीसरा बताना, इस बात में वजन है कि वस्तु में वजन है? तीसरा यहाँ से निकलना, अभिमन्यु के चक्रव्यूह से निकलना है। पंडित जी चले गए, अभिमन्यु के चक्रव्यूह बता नहीं पाया। नए से समझने में ये जीव कैसे उलझ जाता है कि अब हम वो ही नहीं मानते, अब अपन निमित्तों से काम नहीं मानते, अपन निश्चय के भूतार्थ कहते, अपन तो मुमुक्षु है ना, अब अपन तो धर्मात्मा हो गए ना। वे कह रहे एक नया पक्ष ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जैसे तू पहले अपने को ग्रस्त संसारी मानता था, अब तू आत्मा के विकल्प वाला मानता है, ये भी वही वैसे ही मिथ्या। बहुत बड़ी बात कह रहे, यहां निकालना है ना उन्हें विकल्पों से। आत्मा मूल नहीं है, मूल नहीं है ये द्रव्य की तरफ से कहा है कि पर्याय की तरफ से, अभी नहीं समझ में आ रहा है इसे कुछ। एक नहीं कहा आत्मा मोही है, ये किसने इसे कहा? व्यवहार ने। व्यवहार ने किसे देखता है? पर्याय तरफ से, ठीक। ये दूसरे ने कहा ये जीव मूल नहीं है। बताओ संदीप भैया, ये द्रव्य से कहा कि पर्याय से कहा है? द्रव्य स्वभाव से कहा,
एक तरफ पर्याय को खड़ा किया और एक तरफ धर्म कि मैं निर्भोही निर्मूल हूँ, जन्म जरा मरण से रहत परम हूँ, कितने कितने विशेषण, अविनाशी हूँ, अक्षय हूँ, आठ कर्मों से रहत हूँ, अशरीरा अविनाशा अनिंदिया जारसिया सिद्धप्पा भौमल्ली तारिशा होंती भौलीन जीव भी से दो जैसे एक ही नए, और ये द्रव स्वभाव का पक्ष। अच्छा अब वो कहते हैं इस प्रकार तुम्हें दो कथन जनवाणी में मिले, ये काय के बारे में चल रहे, चित स्वरूप जीव के बारे में चल रहे, तो तुम्हें बताओ क्या देखना था, चित स्वरूप जीव देखना था कि ये दो स्वामी जी तीन शब्द बोलती थी संजय भी, नक्की करो, निर्णय करो और अनुभव, पहले ऊपर ऊपर से जुड़ लाओ बात वास्तव में ये सही, फिर अंदर से जुड़ लाओ ऐसे ही तो मैं हूं, फिर अनुभव करके उसे पक्षातिक्रांत, पहली जोर कहां से आना चाहिए, ऊपर ऊपर से जोर आना चाहिए कि ज्ञान है, स्वात्मा है, चैतन्य है, मैं जानता हूं, मैं चेतता हूं, मैं ही आत्मा हूं, ये सब ऊपर से सविकल्प दशा में भी आत्मा का आदर होना चाहिए, ये नक्की करो, फिर ऐसा निर्णय करो कि सपने में भी न दूर, यही है इसी के पीछे पर, और फिर अनुभूति होती पक्षातिक्रांत। तो चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात, पक्षपात का अर्थ कल बताया था विकल्प, पक्षपात यानी जीव को वस्तु स्वरूप समझने में कभी कभी पक्ष बन जाते, एक व्यवहार का पक्ष वाला तो ये बहुत कठिन समझता है इन बात, वो कहते भैया धर्म बिना पूजा पाठ दया दान व्रत उपवास भक्ति बिना नहीं होगा, तो ये काय का पक्ष आ गया उसे, वो था अशुभ से बचाने के लिए, और इसने पकड़ लिया ये धर्म करने, और दूसरा पक्ष समय सार पढ़ के आए, उसने कहा कि नहीं नहीं दया दान भक्ति में तो पुण्य बंधेगा स्वर्ग अधिक मिलेगा आत्मा नहीं में, पर मैं एक हूँ शुद्ध हूँ निर्ममत हूँ ज्ञान दर्शन मई हूँ, ये पक्ष कैसा, ये भी पक्ष, ये भी विकल्प है, पक्ष यानी क्या होता, विकल्प, विकल्प यानी क्या होता, राग, राग यानी क्या होता, आप अभी तीसरी बात बता रहे कि जो तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता या किसी का वस्तु स्वरूप का जो ज्ञाता हो जाता है, कौन हो जाता है ज्ञाता, जो इन्हें निश्चय की विकल्प में भी ऐसा दुख भोगता है जैसे जहर पी रहे, क्योंकि ये भी विकल्प है, थकान, मैं राजा हूं ऐसा राजा कभी विकल्प नहीं, मम्मी मिठाई खाना है ऐसे विकल्पों में मिठाई का रस नहीं आता, और जब मिठाई खाता है तब वो विकल्प छूट जाता, लोक में भी इंद्रिय सुखों में निर्विकल्पता चाहिए, कोई विकल्प लेके बैठा हो तो उसे अति इंद्रिय आनंद नहीं है, थोड़ी गंभीर बात पूछ रहे, माँ के दो बेटे, एक तो बहुत इंटेलिजेंट समझ लो पीएम बने, और ये एक ऐसा है जो मूर्ख चपरासी, तो माता के ममत्व में दोनों में किसके प्रति अंतर आता है, दोनों के प्रति एक सा ममत्व रहता है, चाहे वो मूर्ख हो और चाहे वो बहुत होशियार, ऐसे ही जो तत्ववेत्ता होता है उसे कोई भी नए का पक्ष नहीं बनता अच्छे से समझने, क्योंकि जब जैसा अवसर आता है वक्ता के अभिप्राय को न कहते, तो यदि हमें व्यवहार बताना है तो हमें खुली छूट है, हम बताएंगे खूब जम, पर नहीं बताना है परमार्थ बताना है तो उसे बिल्कुल याद नहीं करें, जैसा सामने जीव होता है वाणी में ऐसी निकल, तो तत्ववेत्ता कौन है जो अपना प्रयोजन साधना जानता है, और प्रयोजन जीव का क्या है कौन बताए, सुखी होना, और सुखी कौन सी परिणत से होगा, भीतरागी दशा से, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य क्या है, भीतरागता है यानी स्वावलंबन से सुखी होगा, अतीन्द्रियानंद भोगेगा तो सुखी होगा, और अतीन्द्रियानंद भोगेगा जैसे मैं वो ही नहीं हूं, ये विकल्प में दुख लगेगा,
मैं आत्मा हूं ये सोच में उसे ऐसा लगे कितने दिन तक सोचना पड़े, तो उसको उस विकल्प से छुट्टी मिलेगी। अब बताना, निश्चय नहीं कि विकल्प का निषेध करने से विकल्पातीत हो जाएगा कि नहीं होगा, फिर कैसे होगा? जब अनुभूति करेगा तो विकल्प छूट जाए, पर निर्णय में ये पहले बैठ जाना चाहिए कि ये विकल्प से आत्मा की प्राप्ति होने वाली चौथी बात। संजय भी बताना, मोह दो प्रकार के हुए, कौन कौन से? दर्शन मोहनी हो चार। दर्शन मोहनी में कौन सा पाप होता सुशील भैया? श्रद्धा विपरीत होती। और चारित मोहनी में कौन सा पाप होता? राग द्वेष कसाएं होती। दो में, एक में मिथ्या, एक में कसा राग, एक में विषयों में सुख लगता है और एक में आत्मा में ठहर नहीं पाता। एक मोह कैसा है? आत्मा के प्रति अरुचि। और एक मोह कैसा है? आत्मा में स्थिर नहीं। तो पहला मोह कौन सा जाएगा? दर्शन मोह नहीं जाएगा, जिसमें क्या महसूस होने लगेगा? मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं ऐसा समझेगा, पक्षाएगा, फिर पक्षाती क्रांत हो जाए। ये हो गया मोह का भाव। अब दूसरा मोह जाएगा स्थिरता बढ़ने पर, चारित्र मोह जिसे कहते। ये समय सार में पहले मोह घटाने की चर्चा, ये जो काम हर भी कर सकते। इस तरह से उसे निरंतर जिस स्वरूप जीव जिस स्वरूप ही है। अब हम इसलिए उदाहरण दिया तो उसे निरंतर सम्यक दर्शन में चित स्वरूप कैसे दिखेगा? अभी तो घर गृहस्थी के काम में लगेगा, लड़ाई भी करेगा, तो चित स्वरूप जीव चित स्वरूप उसे कैसे दिखेगा, कौन बताए? वो कह रहे हैं कि चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप है, उसे स्वप्न भी नहीं आता कि मैं मनुष्य हूं राग देसी बात सदा सुधा जी की बड़ है। अविच्छिन्न धारा चलती, अविच्छिन्न धारा के दोनों अर्थ बताए, एक उपयोगात्मक और एक प्रतीतात्मक। तो ये वाला कौन सा मैटर? ये अभी पहली क्लास वाला, श्रद्धा वाला, कि आपके अभी दर्शन मोहिनी चला जाएगा, परंतु आप ऐसा नहीं सोचना कि दर्शन मोहिनी ही जाना चाहिए। आप तो ये चाहिए कि मुझे आत्मा ही चाहिए, तो फिर दर्शन मोहिनी चाहिए। कई पंडित जी आपके प्रवचन में आता था ना कि स्वभाव के संपूर्ण आश्रय लेने पर संपूर्ण सुख की प्राप्ति वाली सिद्ध दशा प्राप्त होते हुए बिना नहीं रहती, संपूर्ण आश्रय। तो उन्होंने कहा कि जगन आश्रय से सम्यक दशा, तो वो तो थोड़ा सा लेता होगा कि अभी थोड़ा सा ले लो बाद में ज्यादा ले, परंतु ले नहीं पाता, इसका नाम जगन। जितना छोटा बल्ब लगाओ छोटा प्रकाश होता, बड़ा लट्टू लगाओ बड़ा प्रकाश होता, करंट तो एक सी बह रहे। ऐसे ही सम्यक दर्शन में थोड़ी देर के लिए आत्मा पकड़ में आता और फिर बाद में वो शुभ उपयोग में आ जाता है, अशुभ उपयोग में आ जाता है, परंतु श्रद्धा ही निरंतर बनी रहती। एक बार जिसने अपने को आत्मा माना, आपको ने एक प्रश्न किया था प्रद्युम्न जी, हिसाब हम तो दिन भर बाहर बाहर बाजारों में रहते, अन्य अजीनों के बीच में रहते, तो हम 24 घंटे कैसे बनाए रखेंगे आत्मा हूँ आत्मा हूँ? तुमने उदाहरण दिया था कि तुम अपने को 24 घंटे कैसे जैनी बनाए रखते, अजीनों के बीच में बैठ करके भी तुम्हें तो कभी शंका नहीं होती कि मैं अजैन तो नहीं हूं। ऐसा ये आत्मा 24 घंटे एक बार चित्त स्वरूप की रुचि होने पर फिर उसके चित्त से ये चित्त स्वरूप उतरता नहीं। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि ये अपनी चीज अपनी लग जाती है, तो फिर कभी फराई नहीं लगती। एकस रक्तो न तथा परस चिति दयोर्द्वामिति पक्षपातौ यस्तत्त्वभेदी चित पक्ष पात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छदेव। एक ने कहता है जीव रागी है और एक ने कहता है कि जीव रागी नहीं। इस प्रकार जिस स्वरूप जीव के
बारे में दोनों नयों की दो पक्षपात है। जो तत्ववेत्ता यानी वस्तु स्वरूप के ज्ञाता यानी अनुभवी पक्षपात से रहते हैं, उन्हें यह जीव निरंतर चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है, उसे चित स्वरूप जैसा जीव जैसा है वैसा ही निरंतर अनुभव में। अब राग वाला बोला है कि बताओ आत्मा रागी है कि बेरागी है कि बीतरागी है कि अराग। चार बातें बोली हूं, आत्मा रागी है कि बेरागी है कि बीतरागी है कि अरागी, इसमें दूर नहीं लगाए अपन ने चार लगाए। आत्मा रागी कब कहा जाता है काल में, रत्तो बंधति कम्मम, ऐसी गाथाएं आई पुण्य पाप अधिकार में, रागी जीव कर्म से बनता। तो उन्होंने पूछा कि रागी कौन कहलाता, हमने तो दसवें गुण स्थान तक रागी है। बोले वो रागी नहीं, वो वैरागी, और बारहवें ग्यारहवीं वाला भी रागी, और पहले वाला रागी। तो रागी किसे कहा कमल कुमार, जब तो छोड़ोगे आप है, ये तो दूसरा नाम लिया। ऊपर वाली गाथा होगी मिथ्या दृष्टि, अब नीचे वाली पढ़ोगे कि भाई अभी दूसरी का कलश पढ़ना है कि नहीं, ऊपर वाला तो मूल होगा था, अब रागी का। तो रागी किसे कहती जिनमान, कि जो राग में अपना अस्तित्व मानता है उसे रागी कहते। फिर से, राग में अस्तित्व मानता है पर में अस्तित्व दिखता है, पाप पुण्य में वो अपना स्वामित्व मानता है। परिणाम ही तक इसकी दौड़ है ना, इसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो कहां खुश रहता, अपने परिणाम। और ये जाता है नहीं, पर द्रव्य में पूरा वेदन उसका करता और होता नहीं, होता राग का वेदन है और मानता है मिठाई का भी। तो रागी, फिर से समझो, आत्मा रागी है कि बैरागी, आत्मा में राग द्वेष नहीं होते बाबू जी, इसको कहते आत्मा जो कभी स्वभाव स्वभाव रूप परिणमित ही नहीं होता। छठवीं गाथा की टीका, दुरंत कसाय चक्र के होने पर भी जो पुण्य पाप के बंध में कारण है, ऐसे बलवान कर्म के उदय आने पर भी स्वभाव स्वभाव होने पर भी जिनका मिटाना कठिन है, तो भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, कभी स्वभाव स्वभाव रूप पड़ने में नहीं होता, उसका नाम चित्सर। यानी ये बात खूब मान के रख लेना अपने आत्म हृदय में कि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, खराब नहीं होती, प्रभाव परद्रव रूप नहीं, सिर्फ परिणति में नहीं मानने, मानने जानने नहीं जानने, अनुभव नहीं करने का रोग है ऊपर ऊपर। तो एक नैने का रागी है। अब आचार्य देव ने देखा कि ये देखो पुरर्वी मारी ची देव क्या कर रहा, तो ऐसा लिखा शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि को आत्मी नहीं। एक जगह तो ऐसा लिखा कि जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष, एक जगह ऐसा लिखा स्वभाव बताना, और जब उसके अपराध बताना है ना तो ऐसा लिखा कि कोई आदमी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, पशुओं जैसा खारा पीरा घूम रहा है। अरे और बताए कठिन, श्रेयांश पचाना कठिन हो जाए, पंडित ही भ्रष्ट चारित्र बट रही तपोधन, आचार्य के वचन है पंडित हो गया है और चारित्र से भ्रष्ट, सदाचार तक नहीं जी। और मुनियों को लिए क्या लिखा, बट रही बठर बुद्धि है, घर छोड़ दिया, क्रियाएं पालते हैं वो ज्ञान का प्रयोग नहीं। जो जब अपराध बताना है तो उन्हें डर नहीं लगता किसी, जो गलती है सो बताते। आज तक यदि जैन शासन की गहरी प्रभावना ने, अब तो क्या कारण लिखा, ये कारण तो पंडितों को पकड़ा है उन्होंने कि नए मर्म के पंडित नहीं होने से जैन शासन कलंक है, व्यवस्थित ज्ञान नहीं होती, कब किसे मुख करना, कब किसे गौण करना, किसके सामने क्या कहना, ये आचार्यों को जैसा आता है ज्ञानियों को जैसा आता है वैसा ना आने से भी ये जैन धर्म फैल नहीं पा। किसी ने एक शुद्ध ने पकड़ लिया तो किसी ने व्यवहार पकड़ लिया, किसी ने क्रिया पकड़ ली, किसी ने कोई अनुष्ठान पकड़ लिया, ये पक्ष बन करके जीव दूर रह गए। फिर से समझना भाई, एक नए ने कहा ये जीव रागी है, तो आत्मा रागी स्वभाव नहीं है, रागी
उसकी दशा में अभी पर के प्रति लगाव चलता है। इसके बिना हम कैसे रहेंगे? घर गृहस्थी, अभी तो अपन गृहस्थ हैं, अभी तो अपनी भूमिका है, ये पक्ष राग के। और दूसरा, आत्मा राग का स्पर्श भी नहीं करता, मेरे स्वभाव में विभाव असत, इसलिए मुझे राग की चिंता नहीं है। और प्रयास राग के अभाव का है, निरंतर स्वरूप में लीनता मग्नता बढ़ती जाती है, राग घटता जाता है। ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है तो आश्रम से हटता जाता है। उपाय तो अस्थि पर, आत्मा रागी है कि नहीं, राग परिणति में होने से आत्मा को रागी कहा, कौन से नहीं सिखा, ऐसा है नहीं लगा लेना, यानी अपराध बताए तो ऐसे ही खटकती है राग आदि परिणति विकारी, अस्थिरता जन प्रभु दोष भाई। जब भगवान के सामने आओ तो आलोचना पाठ में ऐसे ही पढ़ो, हा हा में दुठ अपराधी तेरे जीवन राजी विराधी। और जब सामायिक में बैठो तो ऐसा पढ़ो, अये मे को फल शुद्ध। एक ही आदमी के दो रूप है, नदी की उस तरफ लड़किया की ससुराल है और इस तरफ माए का। तो जब इस तरफ आती नदी की इस तरफ तो क्या कहलाती, बिटिया आ गई। और जब उस तरफ जाती तो क्या कहलाती, बहू आ गई। तो लड़किया बहू है कि बिटिया? ऐसे ही आत्मा तो चित स्वरूप ही है, परंतु उसकी अपराधी वृत्ति को देखकर कहते हैं, और उसके स्वभाव को देख के कहते हैं राग स्वरूपी, राग स्वरूपी। राग किसी का स्वरूप ही नहीं, छूता नहीं है राग, ऊपर ऊपर लौटता है, नहीं विदधती बद्ध स्पष्ट भावा दयो भी स्फुट मुपरि तरन्ते, ऊपर ऊपर जैसे जल में तेल तैरता है। जैसे दो नयों के पक्षपात हैं, अब अपन अपने को क्या मान, रागी तो मानना ये तो बहुत छोटी बातें हैं, मंदिर के बाहर निकल, अब अपने को वितराग स्वरूपी मानना की। तो कहते हैं अप्रथम में जीव को शुद्ध नहीं का पक्ष आता है, तब वो यही कहता है हमें राग नहीं होता। भैया बहुत बड़ी बात समझ में आई, हम तो ज्ञायक हैं, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, अब ये चिंतन चालू होगा। तो ये चिंतन चलेगा तो ये चिंतन राग है कि वितराग था, बताओ वहां से निकाल रहे। ये चिंतन राग है कारण कि मैं राग से रहत हूँ, ये चिंतन राग। नेहरू जी आए थे यहाँ जबलपुर में एक बार, बहुत सभा लगी थी, वो बहुत भीड़ थी, तो मालूम वो क्या बोले थे, जो व्यवस्थापक हैं ये व्यवस्था बिगाड़ रहे, लोग तो बहुत सज्जन, अब जो नए हमें आत्मा दिखाने के लिए समझने के लिए मिले थे, अब ये नए के विकल्प हमें आत्मा नहीं दे। जीव जहाँ साधक है तीव जहाँ बाधक, शुद्ध नय का विकल्प आत्मा को नहीं देखने दे। और लिखा है कि शुद्ध नय को कभी नहीं छोड़, तो उसका अर्थ क्या है सतीश भैया, शुद्ध नय को नहीं छोड़ना यानी उसके बताए हुए तत्व को स्वरूप को कभी चित्त से उतारना नहीं, मैं सदा काल ज्ञायक भगवान चित स्वरूप, तो चित स्वरूप इस तरह से चित स्वरूप को चित स्वरूप ही देखने वाला साक्षात अमृत पीता। देखो ये बात कुछ अभी अपने ख्याल में आ नहीं रही जैसा ये चाहते, जैसा अमृत चंद्रदेव अमृत पी के कह रहे हैं वैसा अपन को अभी नहीं लग रहा, आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि सबको अब घर जाने के भाव आने लगे कि टाइम हो गया, इसलिए चित स्वरूप जीव तो यही रखो और घर स्वरूप जीव को बताओ। और वे कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तक आ गए हैं, अब घर भूल जाओ, उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही है। मतलब एक आपको ये बता, एक सोना लिए एक आदमी सोने की चेन, ये कहता है बेंटेक्स की और ये कहता है सोने, तो इस चेन का जो अस्तित्व है ये दोनों व्यक्तियों से कितना संबंध रहा, ये 1% संबंध है। और दोनों अपनी अपनी दलील पेश कर, ऐसा ही वस्तु स्वरूप नए सी रेत, द्रव पर्याय स्वरूप ही होने पर भी द्रव पर्याय के विकल्प तक बाधक है। प्रतिक्रमण अधिकार है श्रेयांश नियम सा, उसमें लिखा
कि और पढ़ाई तो छोड़ो, द्रव गुण पर्याय के विकल्प में तुम्हें आत्मा नहीं दी। जिस प्रवचन सार में द्रव गुण पर्याय सिखा के आत्मा दिखाया, नियम सार इतना ऊंचा ग्रंथ है, उन्होंने कहा कि तेरे विकल्प द्रव गुण पर्याय के चल। और कोई कोई तो इस पर डॉक्टरेट कर रहे, अभी कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव कर लो भाई साहब, जिससे कल्याण। एक छोटा सा उदाहरण दे के समाप्त करते। एक माता जी के श्रीमान पति देव खत्म हो गए, वृद्ध थे माता जी। तो माता जी खुद जोर जोर से दहाड़ के लौट, अरे रे मर गए, लुट गए लुट गए लुट। क्या हो गया माता जी? पंचायत के लोग, क्या हो गया कि पति देव चले गए? तो क्या हो गया, ये तो संसार का स्वरूप। नहीं नहीं, बात ये नहीं, हमारी 10 दुकानें हैं, उसका किराया कौन वसूल करे? तो पंच लोग बोले, है ना, आपका है कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 10 एकड़ जमीन है, उसकी फसल कौन इकट्ठी करे? हम लोग हैं, नहीं ब्याज से इतने पैसे थे, उनका कौन ब्याज लाए? हम लोग हैं। अब बताइए बाद में कि 1 करोड़ का कर्जा है, इसका ब्याज कौन चुकाएगा? कहे माता जी, और सब काम हम लोग कर लेते, एक काम आप ही। नहीं समझे कि जिनवाणी ने इस नहीं से ऐसा सब बता दिया बता दिया कि हाँ भगवान है बताएंगे। अब उन्होंने कहा कि अब साहब ये जो विकल्प खड़े हो गए, अब इसका अभाव कौन करेगा? कि ये काम आप ही को करना पड़ेगा। यानी आप ही को समझना, आप ही को शुद्ध न्याय का पक्षाना और आप ही को पक्षाधिकरण से